दोस्तों सरिता जोशी छोटे पर्दे और बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन चुकी है और आज 78 साल की उम्र में उन्होंने एक खास मुकाम हासिल कर लिया और आज इनकी एक्टिंग को दर्शक काफी ज्यादा पसंद किया करते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग सरिता जोशी के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे, लेकिन क्या आप इनके पति के बारे में जानते हैं? वो कौन है, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं? अगर आप भी ये सभी बातें जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को एंड तक बने रहें। साथ ही सरिता जोशी के शानदार अभिनय के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों सरिता जोशी का जन्म 17 अक्टूबर 1941 को पुणे में हुआ और इनको एक्टिंग करने का शौक हमेशा से ही रहा, जिसकी वजह से इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत गुजराती थिएटर से की और कुछ साल थिएटर में काम करने के बाद इन्होंने अपना रुख टीवी इंडस्ट्री की ओर कर लिया, जहां इन्होंने 1999 के टीवी शो एक महल हो सपनों का से छोटे पर्दे पर कदम रखा। इसमें इनके अभिनय की काफी तारीफ की गई। इसके बाद ये टीवी शो बा बहू और बेबी, मेरी आशिकी तुम्ही से ही और बकुल बुआ का भूत जैसे कई शोज में नजर आई। इनको हर शो में दर्शकों ने खूब पसंद किया। आज इन सीरियल की वजह से ये खास मुकाम हासिल कर चुकी है। तो वहीं ये बॉलीवुड फिल्म गंगूबाई, सिम्बा और संगम 2 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी है, जहां इनका शानदार अभिनय देखने को मिला है। लेकिन बात की जाए इनके पति की, तो इनका पति का नाम प्रवीण जोशी है, जो 60 और 70 के दशक में मशहूर एक्टर रह चुके हैं। उन्होंने 60 और 70 के दशक में गुजराती फिल्मों में खूब काम किया। आज इनके पति दिखने में काफी ज्यादा बूढ़े नजर आने लगे हैं और अब ये गुजराती फिल्मों को डायरेक्ट किया करते हैं। आज भी इनके पति का गुजराती फिल्मों में खूब बोलबाला है। तो दोस्तों आप सभी को सरिता जोशी का पति कैसे लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।